रेडमी ने अपना रेडमी टर्बो 3 को चाइना में लॉन्च कर दिया है। ये फोन 2023 में आए रेडमी नोट 12 टर्बो का अपग्रेड वर्जन है और यही फोन इंडिया में पोको F6 के नाम से लॉन्च होने वाला है। ये फोन फ्लैगशिप किलर होने वाला है, वो भी अंडर 25,000 के सेगमेंट में। आज की इस वीडियो में हम इस फोन की सभी स्पेक्स, प्राइस और इंडिया में कब लॉन्च होगा ये सब जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। सबसे पहले इस फोन के स्पेक्स को देख लेते हैं। तो इस फोन में फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर लगाया है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3। ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के बीच का प्रोसेसर है, यानी कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 से अच्छा परफॉर्मेंस इसका देखने को मिल जाएगा। ये 4 वेरिएंट में लॉन्च किया है। बेस वेरिएंट 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज और टॉप वेरिएंट 16 GB रैम, 1 TB इंटरनल स्टोरेज में। अब ऐसा नहीं है कि 16 GB प्लस 1 TB का प्राइस ज्यादा रखा है, इसका भी प्राइस अंडर 30,000 का ही है। इस फोन की सभी वेरिएंट का प्राइस आगे मैं बताने वाला हूँ। ये एंड्रॉइड 14 पे लॉन्च किया है, हाइपर OS पर काम करता है और इसमें एयर जेस्चर समराइजेशन जैसे फीचर्स भी दिया गया है, जिससे कि इस फोन को अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले दिया है, जो कि अल्ट्रा थिन बेजल्स के साथ आता है। ये 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और इसमें 2400 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। इस फोन का थिकनेस 7.8mm का है और इसका वेट सिर्फ 179 ग्राम्स का है। रेडमी का कहना है कि ये फोन SGS 5-star ड्रॉप प्रोटेक्शन सर्टिफाइड है। कैमरा की बात करूं तो इसमें 50MP का सोनी LYT 600 प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और सेल्फी के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा दिया है। इसमें AI बेस्ड ऑब्जेक्ट इरेजर भी है, जो कि पिक्सल के मैजिक के इरेजर की तरह काम करता है और फोटो से फालतू चीज हटाने में मदद करता है। इसमें 5000mAh की बैटरी दिया है, जो कि 90W का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। बाकी इसमें वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, FM रेडियो नहीं दिया है, 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलता है और फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन है। तो ये सब Redmi Turbo 3 में देखने को मिल जाएगा और ज्यादा चांस है कि Poco F6 में भी सेम स्पेक्स देखने को मिल सकता है। बात करूँ प्राइस की तो इसका बेस वेरियंट 12 GB प्लस 256 GB का प्राइस 1999 CNY है। इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते तो करीब 23,000 का होता है। दूसरा वेरिएंट 12 GB प्लस 512 GB, इसका प्राइस करीब 26,400 है। तीसरा वेरिएंट 16 GB प्लस 512 GB, इसका प्राइस करीब 28,000 है और इसका टॉप एंड वेरिएंट 16 GB प्लस 1 TB, इसका प्राइस करीब 30,000 है। ये सभी प्राइस चाइना का है, जब ये इंडिया में आएगा तब इसका प्राइस इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, बट इसका बेस वेरियंट 12 GB प्लस 256 GB अंडर 30,000 का ही रहने वाला है। बाकी ये फोन आपको 1 से 1.5 महीना के भीतर में इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। बाकी आपको ये फोन कैसा लगा इसे बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।